लक्ष्मी मैं जा रहा हूं, रात को देर से लौटूंगा। रुक जाओ, देर से क्यों? एक तो सुबह जल्दी जा रहे हो, ऊपर से देर से लौटोगे। लक्ष्मी मुझे एक पेशेंट का ऑपरेशन करना है। लक्ष्मी ओहो, ऑपरेशन तो सुबह होगा, शाम को क्या है? तू समझती नहीं दीदी, ऑपरेशन के बाद शायद जीजा जी को आखिरी काम के लिए रुकना पड़े तो। आखिरी काम? ये आखिरी काम क्या है? ओ, ओ, ओ। देख गुल्लू, एक तो तू खुद कुछ करता नहीं और मेरे काम का मजाक उड़ाते रहता है। देखो, तुम हमेशा मेरे भाई को कोसते रहते हो। क्यों ना उसे डॉक्टर बना लेते तुम्हारे साथ। वाह, क्या ऊंचे ख्याल है तुम्हारे, क्या दरक्षा ख्याल है तुम्हारा। और कुछ? यानी मेरे एक इंटेलिजेंट दिमाग में एक इंटेलिजेंट आइडिया आई है। अगर आप साथ दोगे तो मैं एक दुकान खोलना चाहता हूँ। दुकान? गुल्लू तो दुकान खोलेगा? अरे यार, तू ऐसा कोई नेक काम करने गया ना तो मैं तेरा साथ हमेशा देने को तैयार हूँ यार। दुकान का ही खोलेगा? सुनो सुनो, पहले दुकान का ही सुनो तो सही। जैसे आप मेडिकल चेकअप के लिए डॉक्टर रिकमेंड करते हैं, दवाओं के लिए मेडिकल स्टोर रिकमेंड करते हैं, वैसे ऑपरेशन के पहले उनके घर वालों को मेरी दुकान रिकमेंड करना। सुनो, उनको कहना कि अगर ऑपरेशन के बाद वो लोग मेरे दुकान से सामान ले तो मैं ऑपरेशन में 10% एंड मेरे दुकान से 20% डिस्काउंट। डिस्काउंट के लालच में सब लोग मेरे दुकान में से सामान लेंगे, मेरी दुकान चल पड़ेगी, आपको मैं 50% दे दूंगा। लक्ष्मी, ऐसी बेकार बातें तुम्हारे भाई के बेकार दिमाग में से ही निकल सकती है। इसके कहने का मतलब है मैं पेशेंट्स को ऑपरेशन टेबल पे मार डालता हूँ। मेरे देर से आने की वजह यह थी कि अस्पताल में सारे नर्सेस, कंपाउंडर्स एंड क्लास 4 वर्कर्स ने मिलकर स्ट्राइक कर दी। सारे काम मुझे करने पड़ते हैं, यहां तक कि ऑपरेशन भी। ये सारे काम तुम अकेले कैसे करोगे राज? सोचो राज, तुम्हें ना गुल्लू को अपने साथ ले जाओ। हाँ, तुम्हारे साथ वो काम करते करते डॉक्टर बन जाएगा। लच्छो दाद देता हूँ तुम्हारी अकल की, अच्छी तरह जानती हो कि इस तरह डॉक्टर नहीं बनते, फिर भी कहीं जाती हो। राज, मुझे अब भी याद आया, मैं कुछ हाईली ट्रेन, हाईली प्रोफेशनल और हाईली क्वालिफाइड नर्स और कंपाउंडर को जानती हूँ, तुम्हारे हॉस्पिटल में भेज दो। अरे गुडनेस एंड आसकास, ऑफ कोर्स, मेरा मतलब है नेकी और पूछ, फौरन भेज दो भाई, अभी भेज दो। एक बात तो हो, कहीं वो लोग भी उनके साथ हड़ताल में शामिल तो नहीं हो जाएंगे? अरे नहीं, मैंने कहा ना, वो लोग हाईली ट्रेन, हाईली प्रोफेशनल और हाईली क्वालिफाइड है, उनके लिए तो वर्क इज वर्शिप। तो फिर ऐसा करो, उन्हें अभी इसी वक्त, बल्कि अभी के अभी भेज दो, मैं चलता हूँ। ओके, तू समझ गया? हाँ, समझदार को इशारा काफी। अभी तक आए क्यों नहीं? लच्छो तो कह रही थी हाईली ट्रेन, क्वालिफाइड, प्रोफेशनल लोग भिजवाऊंगी, अभी तक आए नहीं, क्या होगा मेरे अस्पताल का? समझ में नहीं आता, हाईली ट्रेन, प्रोफेशनल, क्वालिफाइड। गुड मॉर्निंग डॉक्टर राज। हाईली ट्रेन? गुड मॉर्निंग डॉक्टर राज। हाईली प्रोफेशनल? गुड मॉर्निंग डैडी। कौन है? हाईली क्वालिफाइड। लच्छो, समझने की कोशिश करो, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इतनी जिम्मेदारी का काम मैं तुम लोगों को नहीं दे सकता भाई। राज प्लीज, हमें एक मौका दो, वी वांट टू हेल्प यू। हाँ जीजा जी, हम मरीज को एडमिट करने से उसका अंतिम संस्कार करने तक सब काम करेंगे। देखा, मैं इतनी गंभीर बात कर रहा हूँ और इसे मजाक सूझ रहा है। भाई तुम लोग इतने अनस्किल्ड हो, इतने अनप्रोफेशनल हो, इतने इतने क्या कहूँ मैं, तुम लोग ये नहीं कर सकते भाई। राज प्लीज, तुम्हारे साथ काम करते करते हम भी सीख जाएंगे और हमें काम करते देख तुम्हारे नर्सेस और वर्कर्स समझेंगे, स्ट्राइक करने का कोई फायदा नहीं और स्ट्राइक तोड़ देंगे। ठीक कह रही हो, वैसे भी 3-4 दिन तुम्हें काम करते देखेंगे तो मेरा स्टाफ तो खुद ब खुद वापस आएगा। लच्छो, ऐसी इंटेलिजेंट बात तुमने पहले भी कभी कही थी? कब? कब? हाँ, याद आया, 1966 में। पक्की? नहीं, बिल्कुल नहीं, एक या दो रोज या ज्यादा से ज्यादा 2 या 4 रोज, समझी? और वैसे भी तब तक भी मेरा स्टाफ वापस आ जाएगा। थैंक यू राज। थैंक यू राज। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन सुनो,
मैं जो कुछ कहूँ सब सीखना होगा हाँ। और मैं जितना कहूँ उतना ही करना होगा, ना उससे ज्यादा ना उससे कम, समझ गए? मंजूर 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 चलो मैं सिखाता हूँ। एक मिनट अब क्या हुआ? एक मिनट क्या है, बिजनेस अलग रिश्ते अलग, आगे जाके हम दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए उससे पहले हम सब पक्का कर देंगे। क्या पक्का कर देंगे? वही सैलरी, बोनस, एनुअल इंक्रीमेंट, प्रोविडेंट फंड, ग्रेजुएटी, पेंशन, सिर्फ 4 दिन के लिए ये सब? अब तो तुम लोगों को नौकरी पे रखने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। अरे 4 दिन की नौकरी में तुम लोग सैलरी से लेके पेंशन तक की बातें करने लगे मुझसे? भैया जी हम समझे थे आप प्रोफेशनल है, हमसे मुफ्त काम करवाना नहीं चाहते। अरे इतना प्रोफेशनल मैं होता तो अपने स्टाफ की सैलरी नहीं बढ़ा देता मैं। अरे नहीं राज, हमें कुछ नहीं चाहिए, हम सिर्फ तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। हां शीजा जी, हमें एक भी पैसा नहीं चाहिए। काश ये बात मेरा स्टाफ मुझसे करता। तुमको एक बात समझाता हूँ, समझ लो। देखो सच्चे दिल से किसी की सेवा करनी हो ना तो पैसे की लालच बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, समझे? समझ गए? समझ गए? तो चलो मेरे साथ। चलो चलो उतरो यहाँ। अरे आओ ना। इसे कहते हैं रिपोर्ट कार्ड। हाँ। भाई साहब ये आप ही का कार्ड है? नाम तो मेरा ही है। हाँ, इसी का है। अच्छा। इसमें मरीज की बीमारी की सारी हिस्ट्री लिखी होती है। अच्छी तरह पढ़ो। चलो पढ़ो पढ़ो पढ़ो। ये क्या? हाँ। कौन सी भाषा में लिखा है? ओ, ये डॉक्टर्स की हैंडराइटिंग है, इसे तो भगवान भी समझने में डरते हैं, समझी? अब मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि इंजेक्शन कैसे दिया जाता है। हाँ, मुझे सीखना है। इंजेक्शन देना तो मुझे आता है। हाँ? याद है कॉलेज में मैं सोशल वर्क करती थी। हाँ। मैंने कितने इंजेक्शन दिए हैं, ये बात वो है। तो मुझे आता है। तो फिर एक काम करो। हाँ? ये इंजेक्शन तुम ही देते। हाँ, ला, 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 ला। ये क्या है? डॉक्टर कौन है इसमें? डॉक्टर मैं हूँ भाई साहब। क्या बात है, मैंने कुछ कर दिया क्या? नहीं। सुन, बाहर मेरा भाई बैठे ला, उसका एक्सीडेंट हो गया। क्या? और मैं जा रहा हूँ, मेरा टाइम खोटी हो रहा। अगर उसको कुछ हुआ तो सबका गेम बजा डालूंगा, तेरा भी। अच्छा एक मिनट, मैं जाके पेशेंट देखता हूँ। सुनो सुनो, जब तक मैं वापस ना आऊं इंजेक्शन मत देना प्लीज। गुल्लू, इंजेक्शन हाथ में हो, मरीज साथ में हो तो रुका नहीं जाता, इंजेक्शन दे देती हूँ। ऐसा करते हैं, तीनों साथ में देते हैं। कैसे दोगे? ऐसे चीखने चिल्लाने की आवाज है। कौन चिल्लाया? ये गंजा। क्यों भाई, क्यों चिल्लाया आप? आपको पता नहीं है अस्पताल है, आपका घर नहीं है? कीप साइलेंस लिखा है क्या? सो जा आवाज है, अंदर चिल्लाना मत। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। बहुत बुरा एक्सीडेंट है। एक्सीडेंट इसका हुआ, घंटी मेरी क्यों बज रही है? अरे तेरी घंटी नहीं बज रही है, टेलीफोन की घंटी बज रही है। अच्छा अच्छा, टेलीफोन की। अरे हेलो, ओ माँ, पाया को माँ। हेलो 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 माँ। माँ तुम्हें पता है गुल्लू, गुड्डी और मैं राज के हॉस्पिटल में नर्स और कंपाउंडर का काम कर रहे हैं। ओ, इंजेक्शन वाला इंजेक्शन। अरे हाँ, अरे माँ आज हमने पहली बार मिलकर इंजेक्शन दिया। हाँ माँ। अच्छा अरे सासू जी नमस्ते, प्रणाम, कैसी हैं आप? ऑक्सीजन दे रहा हूँ गुल्लू बोला। अरे बताए, आपके होनहार बेटे ने अस्पताल में नौकरी कर ली है, बल्कि आज तो उसने एक पेशेंट को ऑक्सीजन तक दिया। एक मिनट भी। अरे सब सही, मैं बात कर रहा हूँ, आप ऑक्सीजन दीजिए। हम तीनों मिलने मिलकर इंजेक्शन दिया, ऑक्सीजन दे रहा हूँ। पेशेंट कहाँ है? माँ मरीज कहाँ है? माँ मरीज कहाँ है? मरीज मरीज माँ, हेलो माँ, माँ पेशेंट नहीं, जिंदा है, जिंदा है। गंगा जल है, इसे कहते हैं पानी पिलाना। इतना तो तू कर ही लेगा ना गुल्लू? हाँ जरूर। आओ लच्छू, तुम्हें भी कुछ सिखाऊं। चलो इसका कुछ सिखाओ ना। ये है ना, लो, ये आपको बहुत प्यास लगी है ना, पानी पी लो। लो, 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 आज से नहीं शर्माना नहीं।
अगर हमने इनको काम करने से नहीं रोका तो हमारी हड़ताल फेल हो जाएगी। नहीं समझाती हूँ। नहीं दमयंती नहीं, ये तुम्हारा काम नहीं है, इन्हें डरा धमका कर भगाना होगा। इस काम के लिए मेरे जैसा मर्द ही चाहिए। तुम बाहर जाओ और देखना, दो मिनट में ये लोग भागते हुए नजर आएंगे। इधर आ। बहुत पेशेंट है। क्या हुआ? चल। कौन है बे तू? कंपाउंडर हूँ। वो तो दिख रहा है। क्या है क्या तू? दिखता नहीं, आदमी हूँ। वो नहीं दिख रहा। अगर तू आदमी होता तो यहाँ काम नहीं करता। देख मेरा, यहाँ हड़ताल शुरू है। चल भाग जा, चल फौर भाग जा। भगा दे इसको। कौन है भगाने वाला? मैं नर्स और कंपाउंडर यूनियन का सेक्रेटरी हूँ। दिख नहीं रहा? क्या है ये? हमारा निशान है। खोपड़ी नहीं है क्या? पतली गली पकड़ ले, वरना 12 इंच का चक्कू घुसार दूंगा पेट के अंदर बिना एनेस्थेसिया के। आपके पास है क्या? निकाल ले। दीदी जी, दीदी जी, दीदी जल्दी। क्या क्या देखो कालिया शिवा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये मुझे मारने की धमकी दे रहा है। बोल रहा है 6 इंच का चाकू घुसार दूंगा। 12 इंच का? वही 6 इंच का दो बार घुसार देना है। शिवा, पिछली बार तुमने मुझे भी यही धमकी दी थी। और कोई वैरायटी नहीं है क्या तुम्हारे पास? अच्छा है, तू चाकू घुसेड़ेगा? तेरे को आता है चाकू घुसेड़ने का? मत छोड़ना। दो मिनट के लिए क्यों? क्योंकि मैं 2 मिनट में कम से कम 2 मील भाग जाऊंगा। अच्छा तुम लोगों ने मुझे छोड़ा नहीं। अगर छोड़ देते तो मुझे मालूम ही नहीं था आगे क्या करना है। लग रही है मम्मी, मम्मी इस अंकल को ठंड लग रही है। अच्छा मैं देखता हूँ, इंजेक्शन मारना पड़ेगा इसको। नहीं, अरे क्या कर, चादर उड़ा के देखो। हाँ। शायद बंद हो जाए। बंद हो जाए। सब सही है। लेकिन तुम्हें मालूम है सारी दुनिया को ओवरहॉलिंग करने की जरूरत है। मैं सारी दुनिया की ओवरहॉलिंग करूंगा फ्री ऑफ चार्ज। नो प्रॉब्लम। कौन है ये? अरे भाई एक मैकेनिक है, फिसल के गिर गया, सर में डिफरेंशियल लग गया, इलाज के लिए यहाँ ले आया हूँ मैं। अच्छा सरक गया है। एक मिनट। एक्सक्यूज मी भाई साहब, आपको क्या हुआ? मुझे मेरे कार्बोरेटर में कचरा अटक गया है। तुम मेरा कार्बोरेटर साफ करोगे? मैं तुम्हें 5 रुपए दूंगा। ओ भाई साहब आप फिक्र मत कीजिए, आप बड़े अच्छे गैरेज में आए। ये सब जो है ना एक्सपर्ट मैकेनिक है, ये तुम्हारा कार्बोरेटर भी साफ कर देंगे, फ्यूल पंप भी साफ कर देंगे, इंजन भी ओवरऑल कर देंगे। बस आप इत्मीनान रखिए, आराम से बैठिए। मैं भी आया, जरा उसका ख्याल रखना। ये तुम्हारा हेड मैकेनिक है? मैंने उसको उल्लू बनाया। कैसे? मेरा कार्बोरेटर तो साफ है लेकिन मेरा इंजन में खराबी है। तो मेरा इंजन बराबर करोगे ना, ठीक करोगे ना, तो मैं उसके अलग 5 रुपए दूंगा तुम्हें। ए, हमें क्या भिखारी समझा है? हर काम के 5 रुपए दूंगा। तो 5 रुपए दे दे। ए, 4 नंबर का पाना इधर आना। क्या? तुम साथ चलोगी मेरे?
सारी दुनिया के गाड़ियों का ओवरहॉलिंग करने। आप क्या तो ओवरहॉलिंग कर ले। दीदी सुना है अगर पागल को शॉक ट्रीटमेंट दे तो ठीक हो सकता है। अच्छा तुझे मालूम नहीं अपनी मम्मी को दिया था शॉक ट्रीटमेंट। अरे हाँ हाँ राज खुश हो जाएगा। हाँ लेकिन गुल्लू शॉक ट्रीटमेंट कैसे देंगे? डोंट वरी आई एम हियर डोंट फियर। भैया आप चिंता ना करें सब ठीक हो जाएगा। अरे वाह भाई साहब वाह क्या बात है भाई आपके लिए तो हमने आगरा वाली सर्विस स्टेशन बुक की है। आप पे सब गाड़ियां सर्विसिंग को मिलेगी ना मुझे? ऑफ कोर्स आप जैसी कई गाड़ियां वहां लाइन में खड़ी है बल्कि वहां तो एक्सपर्ट है आप जैसी गाड़ियों को रिपेयर करने में वो। हाँ आप इत्मीनान रखिए सब ठीक हो जाएगा। हाँ हाँ आप जाइए मैं हूँ ना गाड़ियां रिपेयरिंग को मिलेगी। अरे वाह तुम मेरे लाइट का सर्किट चेक करने वाले हो कि नहीं? गाड़ी के सब बल्ब जलते रहने चाहिए। डोंट वरी उसके 5 रुपए मैं अलग से दूंगा। थैंक यू। अभी रिवर्स मार ब्रेक मार अभी ये है देखा मेरा कमाल ठीक हो जाए। भाई साहब होश में आइए। भाई साहब वो मोहन प्यारे जागिए इन्हें माफ कर दीजिए ये जानते नहीं ये क्या कर रहे हैं। अरे कमाल करते हो तुम लोग कभी इसी तरह पेशेंट मर गया ना तो मैं तो जेल चला जाऊंगा ना। राज तुम्हें मालूम नहीं पागलपन के मरीज को शॉक ट्रीटमेंट देके सही करते हैं। याद है मम्मी को? अरे किस मरीज को किस किस्म की ट्रीटमेंट देना ये मैं जानता हूँ मैं डॉक्टर हूँ तुम क्यों खा बगा अपने भेजा लड़ाते रहते हो। जी में तो आता है कि इसके साथ साथ तुम दोनों को भी पागलखाने भिजवा दूं मैं। जी हम आपकी मदद करना चाहते हैं और आप हम पर नाराज हो रहे हैं संभालो अपना। अरे अरे क्या कर रहा है तू इसके साथ साथ मुझे भी मारना चाहता है क्या? किसे मार रहा है? अरे होश में। अरे भाई साहब चलो जान बचा हूँ। अरे मैं अस्पताल में कैसे आया? अरे मैकेनिक भैया आपको सिर में चोट लगी थी आपके कुछ साथीदार आपको यहाँ छोड़ गए थे। हाँ मुझे याद आया मैं गिर गया था। हाँ गिर गया था लेकिन मुझे इतने जल्दी ठीक किसने किया? मैंने। धन्यवाद डॉक्टर साहब। अरे डॉक्टर साहब मेरे पास तो फिलहाल 5 रुपए ही है आपकी फीस तो बहुत होगी मैं आपकी फीस बाद में दे दूंगा। कंपाउंडर साहब फिलहाल ये 5 रुपए आप रख लीजिए बख्शीश समझ के मेरे तरफ से आपके बच्चों को मिठाई खिला देना। हाँ धन्यवाद डॉक्टर साहब। पापा पापा मैं मिठाई लाऊ? चलो इंजेक्शन ले लो चलो। नहीं ए, ए, सुनो अच्छा इंजेक्शन है ये बहुत अच्छा इंजेक्शन है मुझे प्रैक्टिस हो गई अभी नहीं। मैंने कल ये गधे को इंजेक्शन दिया था। बात सुनो इंजेक्शन से आपके टकले के बाल आ जाएंगे। मुझे बाल नहीं चाहिए। आ जाएंगे बाल पैसे गंजे मरना मेरे को क्या करना है आपकी बेटी आई है मैं आप ही से मिलने आई हूँ। आप मुझसे मिलने आई है? आप सो जाइए। बोलिए डॉक्टर। यस आपका नाम क्या है? हाँ आपने मुझे डॉक्टर कहा तो मेरा नाम है डॉक्टर गुल्लू। वैसे मैं जानती हूँ कि आप डॉक्टर नहीं हैं लेकिन आप इतने इंटेलिजेंट और स्मार्ट हैं कि एक दिन आप डॉक्टर जरूर बनेंगे। थैंक यू वेरी मच। गंजे सुन आपका नाम क्या है? मेरा नाम है दमयंती। म्यूजिकल नाम है। और ये दमयंती आज से आपकी गुलाम है। मैं आपके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। अच्छा ये गुल्लू भी आज से आपका गुलाम है आपके लिए कुछ भी कर सकता है? अगर ये बात है तो खाइए कसम कि आप हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ेंगे इस युद्ध में इस जंग में। जंग कौन सी जंग है किसे लड़ना है क्या? मैं नर्स कंपाउंडर यूनियन की प्रेसिडेंट हूँ। अच्छा हमारी ये जंग डॉक्टर राज के साथ हमारे हक के लिए है। अगर आपने हमारा साथ दिया तो मैं आपको इस यूनियन का प्रेसिडेंट बना दूंगी। खुद बन जाऊंगी वाइफ प्रेसिडेंट। वाह वाह वाइफ प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट? अरे बुद्धू वाइफ प्रेसिडेंट नहीं वाइफ प्रेसिडेंट। तुम हस्बैंड प्रेसिडेंट और मैं तुम्हारी वाइफ प्रेसिडेंट। क्या आप मुझसे शादी करोगी? हाँ अगर आप हमारा साथ दे तो। अगर आप मेरे साथ शादी करने के लिए तैयार है तो मेरा साथ आपके साथ है। अरे आपके लिए डॉक्टर राज से ही क्या द
दारा सिंह से भी लड़ना मंजूर है मुझे। हमला हमला। हमने आपका क्या बिगाड़ा है भाई? हट रे, ये सो जा रे, तू चलना रे। ये देख गुल्लू, ए गुल्लू, अरे ये बचपना क्या लगा रखा है तूने? ये अस्पताल है, अस्पताल कोई तुम्हारा घर थोड़ी है। हाँ मुझे मालूम है ये अस्पताल है, हमेशा आपके सर पर अस्पताल का भूत सवार रहता है। आपने कभी दूसरों के घर पर झांकने की कोशिश की है क्या? कोई नई पड़ोसन आई है क्या? मेरा मतलब है जब मेरी खुद की पत्नी इतनी खूबसूरत है तो मैं दूसरों के घर में ताक झांक क्यों करूं भाई? थैंक यू राज। मैं उस झांकने की बात नहीं कर रहा हूँ। इस अस्पताल में 2 दिन से हड़ताल चल रहा है, यहाँ के कर्मचारियों के घर में 2 दिन से चूल्हा जला है कि नहीं आपने जाने की कोशिश की है? अरे क्यों करूं भाई, आजकल लोगों के घर में गैस है, चूल्हा क्यों जलाएंगे? बात बदलने की कोशिश मत करना। दीदी जरा सोचो, जरा सोचो दीदी, तुम्हारी बेटी 2 दिन से भूखी है तो तू क्या करेगी? बिल्कुल मत सोचो लच्छू, बिल्कुल मत सोचो। मम्मी मुझे भूख लग रही है। मेरी बच्ची। चुप, तुझे भी इसी वक्त भूख लगनी थी। दीदी जरा सोचो, तुम्हारे पति बीमार है और दवा के लिए पैसे नहीं है तो तू क्या करेगी? जरा सोचो, तुम्हारे बूढ़े माँ बाप खाने के लिए तरस रहे हैं तो तू क्या करेगी? क्या करेगी दीदी, क्या करेगी दीदी? हड़ताल 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 हड़ताल। लगाओ नारा। हाँ। हमारी मांगे पूरी करो।